आज पूरे देश को गर्व करने का एक और मौका मिलने वाला है। हिंदुस्तान को आज पहली वाटर मेट्रो मिलने जा रही है। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे से गुजरने वाली मेट्रो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और इस तस्वीर पर हर हिंदुस्तानी को नाज होगा, क्योंकि पानी के नीचे सुरंग बनाकर मेट्रो को गुजारने की जो ताकत पहले सिर्फ लंदन और पेरिस जैसे देशों के पास थी, अब वो ताकत हमारे पास है। उद्घाटन से पहले एबीपी न्यूज की टीम ने देश के नदी के नीचे से गुजर रही मेट्रो का सफर किया है, तो देखिए और समझिए कि कैसे कोलकाता में शुरू होने वाली वाटर मेट्रो ने इतिहास रचने का काम। स्क्रीन पर मौजूद इस तस्वीर से हिंदुस्तान बखूबी वाकिफ है। पश्चिम बंगाल की पहचान हुगली नदी। 260 किलोमीटर लंबी हुगली गंगा नदी का ही एक हिस्सा है और इसी गंगा नदी की गोद में से होकर कोलकाता में मेट्रो के दौड़ने का रास्ता निकला है। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी मेट्रो ट्रेन को पानी के भीतर से गुजारा गया हो। देश की पहली टनल है जिसके भीतर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं और ये गंगा नदी के रिवर बेड से 16 मीटर नीचे है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। देश के इंजीनियरों ने वो कमाल कर दिखाया है जिसे दुनिया सलाम कर रही है। ये इंजीनियरिंग फैटर्निटी जो इंडिया की है उसके लिए गर्व का क्षण है कि जो पहले पेरिस और लंदन के बीच में अंडर वाटर टनल होता था, आज इंडिया में भी अंडर वाटर टनल हमने बना लिया है। जैसे कि अभी थोड़े समय के बाद आप बुलेट ट्रेन्स भी देखेंगे, तो सभी चीज़ों में इंडिया भी विकसित भारत की तरफ जा रहा है। एकदम सटीक बात कही है। अंडर वाटर मेट्रो, ये वो शब्द हैं जिन्हें सुनने के बाद हिंदुस्तानी तो बस हैरान हुआ करते थे, लेकिन अब हैरान होने का नहीं बल्कि दुनिया को हैरान करने का वक्त आ चुका है। लंदन और पेरिस के बीच जो ट्रेन दौड़ी उसका रास्ता पानी के नीचे से होकर जाता था और अब भारत के कोलकाता शहर में पहली बार हुगली नदी के नीचे से मेट्रो दौड़ने लगी है। इस समय हमारे सर के ऊपर 16 मीटर ऊपर गंगा नदी बह रही है और उसके नीचे हम इस समय टनल में हैं। सर, इस टनल के बारे में बताइए। इसको फील देने के लिए आप देखेंगे यहाँ थोड़ी पेंटिंग की गई है, जिससे जब यहाँ से यात्री गुजरे हैं, बच्चे लोग गुजरे हैं, तो उन्हें फीलिंग भी आए कि हम पानी के नीचे से जा रहे हैं। तो ये टनल जैसा आपको बताया 520 मीटर लंबा है और इसमें 16 मीटर नीचे है रिवर बेड के। पहली बार ऐसा होगा जब मेट्रो नदी के नीचे चलेगी। हावड़ा से एस्प्लेनेड स्टेशन के बीच 4.8 किलोमीटर का रास्ता है। इसमें से करीब आधा किलोमीटर यानी 520 मीटर का रास्ता पानी से होकर जाता है। आधे किलोमीटर लंबी सुरंग से गुजरने में एक मिनट से भी कम का वक्त लगता है। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत कोलकाता में शुरू होने जा रही इस मेट्रो में सवार थे और देखिए कैसे पानी के नीचे से गुजरते वक्त तस्वीर बिल्कुल नीली हो गई थी। ये मेन एरिया है हुगली नदी के नीचे से हम गुजर रहे हैं। ये जो 520 मीटर अब खत्म होने वाला है क्योंकि ये पूरी तरह से लाइटिंग की हुई है, जगह जगह इन्फो सिस्टम भी दिया हुआ है, जबरदस्त वायरिंग की गई है और इसकी जब बोरिंग की गई थी टीबीएम के जरिए बोरिंग की गई थी, ऊपर से शाफ्ट बना करके टीबीएम को नीचे धीरे धीरे करके लाया गया था। मेट्रो कैसे बनाई गई है उसे समझने के लिए आप इस मॉडल को देखिए। ये हुगली नदी है और यहाँ ये हावड़ा ब्रिज है। इस पुल के ठीक नीचे ही दो सुरंग बनाई गई है और इन सुरंगों को
ईस्ट वेस्ट मेट्रो का नाम दिया गया है। लेकिन ये कर दिखाना इतना आसान नहीं था। नदी के भीतर 520 मीटर लंबी सुरंग बनाना कितनी बड़ी चुनौती थी, उसके लिए इस तस्वीर को देखिए। आपकी स्क्रीन पर यह हावड़ा रेलवे स्टेशन है, जो सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कहा जाता है। हावड़ा रेलवे स्टेशन के सामने ही हुगली नदी बहती है। और हावड़ा मेट्रो के लिए जो सुरंग बनाई गई है, उसका एक हिस्सा हावड़ा स्टेशन की जमीन के नीचे से होकर गुजरता है। चुनौती ये थी कि करीब 100 साल पुराने रेलवे स्टेशन के नीचे से सुरंग निर्माण का काम कैसे शुरू किया जाए। हावड़ा मैदान के बाद से मेट्रो के रास्ते में ऐसी कई इमारतें थी जो 100 साल जितनी पुरानी थी। अंडर द रिवर कर रहे हैं तो देयर वाज ऑलवेज अ चांस ऑफ वाटर इंग्रेस, दैट इज द मेजर चैलेंज। और इसकी जो स्ट्रैटा जो है हमारी, ये डेल्टा रीजन है, सदियों से जो है गंगा यहाँ पर बहती आ रही है और पूरी हिमालय से लेकर जो है ये यहाँ पर आकर सेटलमेंट डिपॉजिट्स करती गई है। जो द स्ट्रेटा जो हम लोग का है, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल स्ट्रेटा व्हिच यू फाइंड इन ए नॉर्मल ड्राई ग्राउंड एनीवेयर। ये पूरी खतरनाक ये है, इसके आई मीन एनीथिंग कैन हैपन। ये सबको बचा कर जो है हम लोग ने जो वी डिड प्रॉपर सैम्पलिंग। लेकिन हर चुनौती को पार करते हुए बिना किसी इमारत को चोट पहुंचाए नदी के नीचे 500 मीटर लंबी सुरंग का काम पूरा किया गया और देश में सबसे गहरा यानी जमीन से 30 मीटर नीचे खुदाई करके हावड़ा मेट्रो स्टेशन तैयार किया गया। हावड़ा रेलवे स्टेशन के ठीक पीछे बने हावड़ा मेट्रो स्टेशन के लिए 33 मीटर जमीन के नीचे खुदाई की गई, जो देश में किसी भी मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए हुई सबसे गहरी खुदाई है। ये जो सुरंग है सिर्फ जो हुगली नदी के नीचे है वो 520 मीटर है और मात्र ये आप देखिए हम 45 सेकंड में अब इसको पार कर चुके हैं। सुरंग बनाने में 67 दिनों तक खुदाई चली थी और 67 दिनों तक लगातार कहा जाए तो बिना रुके हुए काम हुआ था। दिन रात 24 घंटे वो खुदाई का काम हुआ था क्योंकि रिवर बेड के नीचे 16 मीटर है। खुदाई कितनी गहरी हुई उसे इस बात से समझिए कि हुगली नदी से करीब 100 फीट नीचे सुरंग बनाई गई। 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची होती है करीब करीब उतनी गहराई में सुरंग के लिए खुदाई हुई थी। देश के इंजीनियरों के लिए पानी के नीचे सुरंग की खुदाई करना कितना बड़ा चैलेंज था उसे इस बात से समझिए कि किसी भी वक्त पानी का खतरा मंडरा रहा था। इसलिए टनल की खुदाई के लिए जो बोरिंग मशीन मंगवाई गई उसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर नदी के भीतर किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो मशीन सबमरीन बन जाती और काम कर रहे लोगों की जिंदगी की रक्षा करती। देखिए पहले की तस्वीर कुछ ऐसी थी कि बीच में नदी होने की वजह से सियालदाह से स्प्रेनेड तक की मेट्रो आती थी, लेकिन अब नदी के नीचे टनल तैयार हो जाने से 4 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बन चुके हैं। और कमाल की बात यह है कि हर रोज जिन यात्रियों को हावड़ा स्टेशन तक पहुंचने में 1 घंटा लगता था वो अब कुछ ही मिनटों में सीधे प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएंगे। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कोलकाता घनी आबादी के बोझ से दबा वो शहर है जहां सड़कों की भी सांस फूलने लगती है।
हावड़ा और सियालदह के बीच सड़क से दूरी तय करने में 1 घंटे से 45 मिनट तक लग जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये टनल रेडी है और ट्रेन चलने के लिए तैयार है। इसमें जो फायदा होगा वो आपने देखा कि पहले हावड़ा ब्रिज में बहुत ट्रैफिक जाम रहता था, आपको कलकत्ता से हावड़ा जाना है तो घंटों लग जाते थे। अब इस टनल के द्वारा नदी को क्रॉस करने में केवल मात्र 45 सेकंड लगेंगे और एस्प्लेनेड से हावड़ा जाने में 6 मिनट का टाइम लगेगा, जो पहले लगभग 1.5 से 2 घंटा लग जाता था ट्रैफिक जाम में। पानी के नीचे बनी सुरंग में मेट्रो की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। पानी के नीचे होने के बावजूद सुरंग को इस तरह से तैयार किया गया है कि एक बूंद पानी भी सुरंग के भीतर नहीं घुस पाएगा। जरा देखिए, जब कोलकाता मेट्रो के लिए सुरंग का काम पूरा हुआ था तो इस मुश्किल काम को पूरा करने के बाद कैसे तिरंगा लहराकर खुशी का इजहार किया गया था। कोरोना के मुश्किल वक्त में भी हुगली नदी के नीचे चल रही सुरंग की खुदाई का काम नहीं रुका था। पैसों की बात करें तो सुरंग बनाने में 157 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत आई है। सुरंग बनाने में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है उसके मुताबिक 120 साल तक मेट्रो के इस सुरंग में दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब ये मेट्रो स्टेशन दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। मेट्रो स्टेशन के किसी भी कोने को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि ये देश के बाकी हिस्सों के मेट्रो स्टेशन से अलग या किसी भी तरह से कम है। ये बदलते भारत और बढ़ते भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम है। पानी के नीचे मेट्रो को दौड़ाकर हिंदुस्तान ने ये बता दिया है कि हम आगे बढ़कर नई तकनीक और नई चुनौतियों को पार करने वाला भारत बन चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत ने जो गति हासिल की है, बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो हौसला पाया है, यह अभूतपूर्व है साथियों। और इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, दुनिया गाजे बाजे के साथ बोल रही है। अब देश न छोटे सपने देख सकता है और देश न अब छोटे संकल्प ले सकता है। सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे, और ये हमारा सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है कि हमें भारत को विकसित बनाना है। प्रधानमंत्री बुधवार सुबह 10:15 बजे कोलकाता में शहरी मेट्रो कनेक्टिविटी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और इस लोकार्पण के जरिए प्रधानमंत्री कोलकाता और आसपास की लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, इनमें से कोलकाता और आसपास की 6 शहरी सीटें हैं, कोलकाता नॉर्थ, कोलकाता साउथ, जाधवपुर, बारासात, दमदम और हावड़ा। ।2019 के चुनाव में बीजेपी का कोलकाता और आसपास की शहरी सीटों पर खाता तक नहीं खुला था। बीजेपी के लिए इस बार इस इलाके में जीत किसी चुनौती से कम नहीं है। मोदी अंडरवाटर मेट्रो और बाकी परियोजनाओं के दम पर शहरी वोटरों को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। माना जाता है कि कोलकाता और आसपास के शहरी वोटरों पर ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ है। बीजेपी जब तक इस मजबूत पकड़ को कमजोर नहीं करती, तब तक बंगाल के शहर को साधना आसान नहीं होगा। इसलिए मोदी की ये प्लानिंग सीधे शहरी मिडिल क्लास वोटरों को जोड़ने की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।